बबीता जी तो क्या लगेंगे कॉलेज के कपड़ों में। सबसे पहले उनको ये खबर मैं ही देता हूँ। हाय जेठा जी, बोलिए। हाँ बबीता जी, कैसे हैं आप? एब्सोल्युटली फाइन, आप बताइए। एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा मैं ये कह रहा था कि आपको आज के धमाकेदार खबर मिली कि नहीं? हाँ, आज रात की न्यू ईयर पार्टी के बारे में ना। नहीं नहीं, पार्टी तो बराबर है, लेकिन पार्टी में किस टाइप के कपड़े पहन के जाना है वो खबर मिली कि नहीं? यस, कॉलेज का थीम है तो कॉलेज लुक में जाना है। इनफैक्ट मैं भी अपना क्लोजेट खोल के बैठी थी और सोच रही थी कि मैं आज शाम की पार्टी में क्या पहनूं। अरे क्या बबीता जी, आप भी, आपको इतना सोचने की क्या जरूरत है? आप तो कुछ भी पहनते हैं ना, एकदम कॉलेज के विद्यार्थी नहीं लगते, एवरग्रीन। जीठा जी, आप भी ना। थैंक यू सो मच। अच्छा बबीता जी, देखिए मैं तो कभी कॉलेज गया नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। कुछ सुझाइए ना अच्छा बढ़िया सा। लेट मी थिंक। हाँ, आप ना बलून पैंट पहनिए। क्या क्या कैसा पैंट? बलून पैंट। बलून पैंट? हाँ। ऐसा भी कोई पैंट आता है? हाँ। अच्छा, तो इसमें क्या वो पैंट छोटी सी होती है, फिर उसको फुक मार मार के वो फुके की तरह फुला के पहननी होती है? लेकिन बबीता जी, ये ऐसा पैंट पहनना तो थोड़ा जोखिम कारक नहीं हो जाएगा क्या? किसी ने पिन मार दी या कुछ नुकीली चीज लग गई तो मैं तो भरी पार्टी में कहीं का नहीं रहूंगा। जेठा जी, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कैसा होता है? आप टप्पू से पूछ लीजिए, टप्पू आपको बता देगा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बलून पैंट, फिर उसके साथ राउंड नेक टी शर्ट। ओके, गोल गड़े का टी शर्ट, ठीक है फिर। हाँ, और टी शर्ट के साथ, हाँ टी शर्ट के ऊपर एक स्पोर्ट्स जैकेट और कैप। स्पोर्ट्स जैकेट? वाह वाह, बढ़िया बबीता जी, क्या सुझाया है आपने। बलून पतलून ना, मतलब बलून पैंट, उसके साथ गोल गड़े का टी शर्ट और ऊपर स्पोर्ट्स जैकेट। वाह बबीता जी, वाह बढ़िया बढ़िया। जेठा जी, अगर आप ये कॉम्बिनेशन पहनोगे ना तो पक्का कॉलेज स्टूडेंट लगोगे, ट्रस्ट मी अबाउट इट। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम जेठा जी। ठीक है, तो हम लोग चलो शाम को मिलते हैं 8:30 बजे। बच्चा लोग, वाह वाह, लेखक महाशय क्या लग रहे हैं आप, कॉलेज स्टूडेंट। आप लोग भी कहाँ ना, मेहता अंकल इंजीनियर डे, क्या लग रहे हो आप, बहुत अच्छे लग रहे हो। तो बढ़िया ऐसा लग रहा है कि सभी लोग कॉलेज में आ गए हो। क्या बात है फिरे भाई, आज आप शिक्षक बिल्कुल नहीं लग रहे हो, पूरे कॉलेज स्टूडेंट लग रहे हो आप। है ना, बाल थोड़े कम है, बाकी कॉलेज का स्टूडेंट नहीं लग रहा है। क्या करे पोपटलाल, शादी के बाद जनरली ऐसा होता है। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी पोपटलाल, तुम वाकई में कॉलेज स्टूडेंट लग रहे हो। थैंक यू बेटा, कॉलेज स्टूडेंट कवारी तो होते हैं। और भैया कैसा लग रहा हूँ मैं? मुझको लग रहा है आप तो एकदम टप्पू सेना के ही सदस्य लग रहे हो, झकास यंगस्टर। सही बात है चाचा जी, ऐसा लग रहा है कि आप भी टप्पू सेना के साथ कॉलेज जाते होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यू आर लुकिंग सो यंग एंड हैंडसम चाचा जी। बस चाचा जी, अब वो आज जरा ये ऐसे के बदले ऐसे खड़े हो जाइए। अरे भाई, ये सब टप्पू का कमाल है, उसने पसंद किए मेरे लिए ये कपड़े। थैंक यू टपड़ा, थैंक यू। चाचा जी, जेठालाल कहाँ है? आ रहा आ रहा, आज भी लेट। अरे वो यार भाई, क्या लेट, आ गया भाई, आ गया मैं, आ गया। क्या बात है, वाह हेड भी बस जस रही है बहुत। डीजे वाले से तो सब वैसे वैसे लग रहा है, एकदम लग रहे। थैंक यू जेठा जी,
आप बिल्कुल कॉलेज स्टूडेंट लग रहे हो। अरे बबीता जी, ये सब आपकी मेहरबानी है, ये बबीता जी की मेहरबानी है। इन्होंने मुझे सुझाया कि आप ये ऐसे कपड़े पहनो। पर बबीता जी आपको तो देखो, मैंने कहा था ना आप कोई भी कपड़ा पहनो, आप कॉलेज की विद्यार्थी नहीं लगते हैं। थैंक यू सो मच इठा जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आत्मारम, कांग्रेचुलेशन, तुमने ये थीम बहुत ही अच्छा रखा है। थैंक यू अय्यर, थैंक यू वेरी मच। ये जो थीम है ये आइडिया टप्पू सेना का था, और ये डेकोरेशन जो है वो टप्पू सेना और अब्दुल ने मिलकर किया है। ये कहने की जरूरत नहीं है भिड़े, हम सब जानते हैं कि तेरे दिमाग में तेरे जमाने के आइडिया ही आते हैं।